संधानकारी मिशन के द्वारा के द्वारा यहाँ रखा गया ब्रांच में रखा गया है। पिछले भी रविवार को वह एक ब्लड मिशन कैंप 500 ब्रांच के अंदर संपन्न हुआ, जहाँ पे 150 यूनिट ब्लड किया। यहाँ पे भी दिए ब्लड बैंक यहाँ दे रहे हैं। एसएमएस नगर सैन और स्वास्थ्य कल्याण तीनों प्रकार से ब्लड बैंक यहाँ पे आए और फिर यहाँ का तो जहाँ पे आत्मा है 300 से ऊपर लेके जाए। ये सभी एक्सेप्टलेस सर्विसेज है मानवता के कल्याण के लिए। ये किस प्रकार से मानवता का भला हो सके इसके लिए यहाँ पे प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। सब एक ऐसे यहाँ पे हमारे मिशन के द्वारा संत माता शिक्षा जी महाराज जो कि जिन्होंने कहा कि सारा संसार अपना संसार है, कोई बेगाना नहीं है, एक पिता एक माता की, इस एक मिशन को लेके ताकि ये ब्लड हर एक के काम आ सके, जिसको भी जरूरत पड़ते काम आ सके। इसका ये यहाँ पे किया जाता है मानवता की सेवा के लिए। आत्मा जो यहाँ पे सही ब्लड दे रहे हैं सभी इसी रूप में इस काम भाव से सेवा को से कहना दान नहीं। एक बार नाम भी बोल दीजिए प्लीज। आदाश सुनील बाल जय सतरंकारी मंडल ब्रांच आतो चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये रक्तदान शिविर का आयोजन हर वर्ष ही संतकारी मंडल ब्रांच आरोप द्वारा किया जाता है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री बाल कृपाचार्य जी महाराज उपस्थित हुए, साथ ही हमारे महात्मा सुनील बाली जी यहाँ मौजूद हैं। इनके पावन सानिध्य में इनके सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। हमारे संयोजक क्षेत्र में टीकरिया सांभर लेक रेनबाग सहित कई राज्य शामिल हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ रक्तदाता आकर रक्तदान कर रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है। इस संबंध में हमें कई विनायक कॉलेज वेलकम आईटीआई तथा वीर तेजा स्पोर्ट्स एकेडमी ये भी जाकर वहाँ प्रेरित किया गया और वहाँ से भी काफी आ रहे हैं। तो ये रक्तदान महादान है और इसका उद्देश्य मानव के जीवन को बचाने का होता है। एक व्यक्ति के रक्त के दान करने से 3 व्यक्तियों के प्राण बचते हैं और ये रक्त इसका कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ये मानव शरीर में ही निर्मित होता है और जब कहीं जरूरत होती है तो इसी रक्त को ही मानव शरीर से दान कर उसे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसलिए इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। धन का दान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, विद्या का दान करने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, पर रक्त का दान करने के लिए एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जो व्यक्ति 18 से 60 साल के हैं और जिनके किसी प्रकार की बीमारी नहीं है वो अपना रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करके संत का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। संत रक्तदारी मिशन सही रूप में मानवता का सच्चा पुजारी है जो निरंतर रक्तदान अनेक सामाजिक कार्य करके मानवता से सेवा प्रदान करता है। तो मैं इस हफ्ते को यही कहना चाहूंगा कि रक्तदान के लिए युवा आगे से आगे बढ़े और खुशियां प्राप्त करें, संत का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हिंद जय भारत। भूपराम शर्मा वनेकार नमस्कार। संतनिकारी मिशन और संतनिकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का ये रक्तदान शिविर और रक्तदान शिविर में आज का टारगेट रखा है 500 प्लस और उसमें आप देख रहे हैं सुबह से ही रक्तदाता आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कहना था रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं। इस कथन का मतलब था कि जब भी कोई इस प्रकार से घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और कोई इस प्रकार से खून खराबा होता है तो वो रक्त नालियों में बहता है। जबकि थॉट दिया रक्त नालियों में नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए संतनिकारी मिशन और संतनिकारी चैरिटेबल फाउंडेशन विशाल रक्तदानों का आयोजन करता है और रक्तदान करके जहां एक रक्तदान से 3 जानों को बचाता है वहीं अपने सतगुरु समय की सतगुरु सुदीक्षा जी महाराज के दिशा निर्देशों में आज की तारीख में ऑल ओवर वर्ल्ड में संतनिकारी मिशन संतनिकारी चैरिटेबल फाउंडेशन को विश्व का सबसे प्रमुख रक्तदाता समूह का अवार्ड मिल चुका है। इसलिए आज इस प्रकार से ये रक्तदान होते हैं। उसी सिलसिले में आज भी ब्रांच आतोत का रक्तदान शिविर है जहां का लक्ष्य 500 है और रक्तदान चल रहा है और सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद करते हैं और जो युवा वर्ग है युवा वर्ग से भी निवेदन करते हैं कि रक्तदान करने से लाभ प्राप्त होता है। जहाँ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है वहीं शारीरिक लाभ भी प्राप्त होता है।
महाराज जी ने भी कहा आज के जो मुख्य अतिथि थे कि 3 महीने के बाद में रक्त स्वतः ही खत्म हो जाता है, जल जाता है, तो हमने हर 3 महीने के अंदर रक्तदान करना चाहिए। धन्यवाद। आनंद पांडे, सत्य निकाय मिशन, जयपुर। नौजवान युवाओं को रक्तदान के लिए आप प्रेरित करते हैं, हमेशा करते हैं। आज का आपका सब लोग धन्यवाद देता हूँ। और रक्तदान महादान इस अभियान को छुड़ाया, मैं संपूर्ण टीम को और रक्तदान में जितने भी बधाई रक्तदान दाता हूँ बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। रक्तदान कितना उपयोगी है ये आप हम सब जानते हैं। एक जो बनाई नहीं जा सकती किसी फैक्ट्री में, वह किसी शरीर से निर्मित होती है, और मानव का स्वभाव है सेवा करना। रक्तदान भी एक सेवा का काम है, और किसी का जीवन बचाना परमात्मा का ही काम है। इसलिए मैं रक्तदान दाताओं को बधाई देता हूँ, और हमारी युवा पीढ़ी जो भी बढ़ चढ़ के पूरे भारत में एक ऐसा अभियान सा चल रहा है कि कहीं भी रक्तदान होता है युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, और सभी रक्तदान शिविर सफल होते हैं। तो रक्तदान दाता और उससे संबंधित संस्थाएं ये संपूर्ण सब सेवाओं के काम में लगी है, जीवन बचाने काम में लगी है। उसी क्रम को आप हम सब भी यहाँ आज देख रहे हैं। मैं बहुत बधाई और शुभकामना अपनी ओर से देता हूँ कि कईयों का जीवन बचाने के लिए एक एक बूंद कीमती है, और 3 महीने में निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए इसको रक्तदान शिविरों के द्वारा दान देकर हम लोग पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि अभी यहाँ के बहुत विधायक आचार्य भारतचार्य जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। निश्चित तौर पर ये जो रक्तदान का एक यज्ञ चल रहा है इसकी आज बहुत आवश्यकता है। भारत सरकार की नोटिफिकेशन 2019 की नोटिफिकेशन में ये बताते कि हर 6 मिनट के बाद एक व्यक्ति खून के अभाव में उसका जीवन समाप्त। तो ये बहुत बड़ी एक कमी है, इस कमी को मिशन के द्वारा लगातार ये कार्य किया जा रहा है ब्लड डोनेशन का। और इसमें आज हम देख रहे हैं कि मिशन का जो ब्लड डोनेशन में जो स्थान है ऑल ओवर वर्ल्ड में, संसार में कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, फर्स्ट मिशन ब्लड डोनेशन। तो बहुत ही एक सुंदर ये व्यवस्था आदरणीय जोनचार्ज बाली जी मिशन के और यहाँ के जो संयोजक है प्रणाम शर्मा जी के द्वारा ये बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। तो सभी का इस पर सहयोग मिल रहा है, तो आप सभी भी जो इस प्रकार प्रचार प्रसार में भी योगदान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही साहसिक कार्य है। आई पे टू गॉड, मे गॉड हेल्प। संत ने निरंकारी मंडल जयपुर राजस्थान से बोल रहे हो, यहाँ आज देख रहे हैं बहुत शानदार तरीके से यहाँ रक्तदान हो रहा है, और इतना जबरदस्त योजना प्रोग्राम है यहाँ। अभी हवा महल के जो एमएलए वो अभी आके गए हैं, उन्होंने बड़ी इस मिशन की तारीफ करी है। आज सतगुर माता विद्याजी महाराज के ये पावन शादी दिन में इतना बड़ा विशाल रक्तदान का, और इनका पीछे एक ही मान्यता है, ये रक्त जो है ना नाड़ियों में बहने की चीज है, गलियों में रास्ते में ओड़ में बहने की चीज नहीं है। इसलिए मैं ये बाइट इसलिए दे रहा हूँ कि वो ये सीखे कि वास्तव में मार काट विध्वंस सा कोई मतलब नहीं है, प्यार मोहब्बत दिया की सबसे बड़ी चीज है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यही कहूंगा कि इस तरह की जो है शिविर संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि SMS पेज पर रिक्वायर्ड ब्लड है वो उपलब्ध नहीं हो पाता, इस तरह के जो कैंप लगाए जाते हैं जिससे जो लोगों की काफी जिंदगियां बचाई जाती है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी हॉस्पिटल्स में रक्त सीट अभी होती है उसकी कमी ना आए, और उसकी आपूर्ति प्रॉपर होती रहे, इसके लिए इस तरह के और ज्यादा से ज्यादा लगाए जाने चाहिए। और मैं संत निरंकारी मिशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल कर रखी है, हर वर्ष ये करते हैं। इस तरह के और भी कई जो सामाजिक संगठन है उनको भी इस काम के लिए आगे आना चाहिए, यही मेरी आशा और आकांक्षा है।
और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी क्या होता है कि जब आदमी की उम्र बढ़ती है तो कई लोग फोन देने के लिए आबाद हो जाते हैं, मतलब बीमारी के कारण कोई दवाएं लेते हैं, मेडिकेशन होता है, लेकिन यूथ का ब्लड काफी प्योर होता है, काफी अच्छा होता है, उनमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, तो यूथ को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए इस काम।